गुमारमी शहर में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। युवक गुमारमी शहर का प्रमुख व्यवसायी का बेटा है तथा शादीशुदा है। उसका एक बेटी और बेटा भी है। ये युवक नाबालिग लड़की से पहले भी छेड़छाड़ करता था, पर आज उसने मौका पाकर स्कूल जाते ही छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे दिया। गुमारमी शहर में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक युवक गिरफ्तार किया गया। युवक गुमारमी शहर का प्रमुख व्यवसाय का बेटा है तथा शादीशुदा है और उसकी एक बेटी व बेटा भी है। ये युवक नाबालिग लड़की को पहले भी छेड़छाड़ करता था और आज उसने मौका पाकर स्कूल के साथ ही छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग ने इस घटना को लेकर अपने माँ बाप को अवगत करवाया तो युवक के परिजनों ने नाबालिग लड़की के परिजनों पर समझौता करवाने का दबाव बनाते रहे। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो थाने में भी काफी संख्या में लोगों का हजूम उमड़ पड़ा तथा समझौता करवाने का प्रयास शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा भी किया गया, पर वह भी विफल साबित हुआ। थाना परिसर में काफी समय तक चला ये हाई प्रोफाइल वोल्टेज ड्रामे में अंत में लड़की के परिजनों ने मामला दर्ज करवा दिया गया। पुलिस ने आरोपी गुरुयुवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज है। IPS सृष्टि पांडे ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि एक नाबालिग लड़की का छेड़छाड़ का मामला पोस्को एक्ट के तहत दर्ज हुआ है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी जिसमें एक माइनर लड़की को एक शख्स थोड़े से सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे थे, जिसपे उनके परिवार द्वारा एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई है थाने पे। मौके पे हमारे जो भी कंप्लेंट थी दर्ज करा दी गई है, FIR रजिस्टर कर दी गई है। अब आगे तफ्तीश कर दी जाएगी इसके लिए।